जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सेप्शन हैंडलिंग रिगार्डिंग आर सीबीएसई, राइट। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस एक्सेप्शन हैंडलिंग। कंपोनेंट्स शुड नॉट हैंडल एक्सेप्शंस देमसेल्व्स। जी, सबसे बड़ी बात कि जी कंपोनेंट्स जो हैं इनको खुद से एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करना चाहिए। इन केस देयर इज एनी एक्सेप्शन अकर्स इन योर सिस्टम्स, इन योर मॉड्यूल्स, इन योर कंपोनेंट्स, दे शुड नॉट हैंडल एक्सेप्शन देमसेल्व्स। खुद से ना ये टैकल करें अपने एक्सेप्शंस को, बिकॉज ईच एप्लीकेशन विल हैव इट्स ओन रिक्वायरमेंट्स फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग, क्योंकि हर एप्लीकेशन की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी एक्सेप्शन को हैंडल करने की। सो इसीलिए हम अलाउ नहीं करेंगे कि कंपोनेंट्स को कि वो देमसेल्व्स एक्सेप्शन को हैंडल करें। रादर इसकी बजाय द कंपोनेंट्स शुड डिफाइन व्हाट एक्सेप्शंस कैन अराइज एंड शुड पब्लिश दीज एज अ पार्ट ऑफ द इंटरफेस। जी, कि किस किस्म की एक्सेप्शंस आ सकती हैं और इनको पब्लिश करना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ द इंटरफेस। हाँ, ये किया जा सकता है कंपोनेंट्स में। इन प्रैक्टिस हाउ एवर ताहम देर आर टू प्रॉब्लम्स विद दिस। इसके साथ दो मसाइल हैं जी, दो प्रॉब्लम्स। वो कौन से हैं, उन पॉइंट्स की तरफ हम देखते हैं जी। फर्स्ट वन, पब्लिशिंग ऑल एक्सेप्शंस लीड्स टू ब्लॉटेड इंटरफेसेस दैट आर हार्ड टू अंडरस्टैंड। जी, यहाँ से मुराद ये होगा जितनी भी आप एक्सेप्शंस पब्लिश करेंगे ना उस इंटरफेस पे, इससे क्या होगा आपका जो ना इंटरफेस जनरेट होंगे वो ब्लॉटेड होते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, ठीक है, एम्बिगुअस होते जाएंगे, ठीक है, इसमें रिजिडिटी बढ़ते जाएगी, वेग नहीं हो, ठीक है, वेग की तरफ जाएंगे, दैट आर हार्डर टू अंडरस्टैंड। दिस मे पुट ऑफ पोटेंशियल यूजर्स ऑफ द कंपोनेंट। जो आपके पोटेंशियल यूजर्स हैं, ठीक है, उसको पुट ऑफ कर सकते हैं अगर हम पब्लिश करेंगे क्या तमाम की तमाम एक्सेप्शंस, ठीक है, अगर एट वन टाइम आप उसको इंटरफेस पे लेके आते हैं तो उसका ड्रॉबैक क्या होगा, दे विल जनरेट द ब्लॉटेड इंटरफेसेस, तो कॉम्प्लेक्सिटीज हमारी अराइज होती जाएंगी। सेकंड, द ऑपरेशन ऑफ द कंपोनेंट मे डिपेंड ऑन लोकल एक्सेप्शन हैंडलिंग। जी, दिस इज आल्सो अंडरस्टैंडेबल पॉइंट। देयर वी आर सेइंग दैट के जो ऑपरेशंस हैं ऑफ द कंपोनेंट मे डिपेंड ऑन लोकल एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये भी हो सकता है, दे कैन डिपेंड, उस पर भी निसार कर सकते हैं जो आपकी लोकल एक्सेप्शन हैंडलिंग है। एंड चेंजिंग दिस मे हैव सीरियस इंप्लीकेशंस फॉर द फंक्शनैलिटी ऑफ द कंपोनेंट। लेट्स हैव अ लुक दिस, लुक एट दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मे हैव द सीरियस इंप्लीकेशंस फॉर द फंक्शनैलिटी ऑफ द कंपोनेंट। अगर आप इसको चेंज करेंगे, डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, उस कंपोनेंट के हवाले से लोकल एक्सेप्शन हैंडलिंग, और चेंजिंग इससे क्या होगा, दैट मे लीड टू वर्ड्स द कम्प्लेक्सिटीज एंड जो आपकी फंक्शनैलिटीज हैं कंपोनेंट्स की वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। इसीलिए कहा गया दिस मे हैव अ सीरियस इंप्लीकेशन, सीरियस इश्यूज आ सकते हैं फॉर द फंक्शनैलिटी ऑफ द कंपोनेंट। जी, नेक्स्ट कंसर्न क्या जी, लेगेसी सिस्टम कंपोनेंट्स, लेगेसी सिस्टम कंपोनेंट्स। अब इसको भी हम देख लेते हैं जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। Existing legacy systems that fulfill a useful business functions can be repackaged as components for reuse. जी, आपके जो existing हैं, जो पहले से अभी मौजूद हैं, आपके जो legacy systems हैं जो कि आपके useful business functions की formalities को पूरा कर रहे हैं और अच्छे आपको नतीज दे रहे हैं, they can be repackaged, उनको आप repackage कर सकते हैं as you know that हर component हम single entity ऐसा डील करते हैं, तो इन कंपोनेंट्स हम क्या करेंगे, रीयूजेबिलिटी में लेकर आएंगे, उन कंपोनेंट्स को हम रीयूजेबिलिटी में लेकर आएंगे। जी, दिस इन्वॉल्व्स राइटिंग अ रैपर कंपोनेंट दैट इंप्लीमेंट्स प्रोवाइड्स एंड रिक्वायर्स इंटरफेसेस देन एक्सेस द लेगेसी सिस्टम। इसमें क्या आ जाएगा, आपने एक रैपर कंपोनेंट बनाना है, राइटिंग करनी है उसकी, that implements, provides and requires interfaces, जिनको आपको रैपर कंपोनेंट्स को आपको पता है इंप्लीमेंट्स ये जो प्रोवाइड करेंगे उनको इंटरफेसिस भी चाहिए। जब इंटरफेस चाहिए होगा उसके बाद then accesses the legacy system, तब भी वो आपके legacy system को अप्रोच करेंगे। इसमें यानी कि रैपर कंपोनेंट का कंपोनेंट्स आएगा, रैपर
कंपोनेंट है, इसको हम जनरेट करेंगे, फिर इसको इंप्लीमेंट करवाएंगे थ्रू द यूज ऑफ इंटरफेसेस, सो दैट कि जो आपकी लेगेसी सिस्टम सपोर्ट हम उसको हासिल कर सकें. ऑल्दो कॉस्टली, डेफिनेटली कॉस्ट होगी, दिस कैन बी मच लेस एक्सपेंसिव देन रीराइटिंग द लेगेसी सिस्टम. अगर आप दोबारा रीराइटिंग की तरफ नहीं जाते तो थोड़ी सी कॉस्ट आपकी लेस एक्सपेंसिव हो सकती है. सो लेगेसी सिस्टम ऑफन यूज एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजीज, जो पुरानी आपकी ओल्ड टेक्नोलॉजीज थी, ओल्ड मॉडल्स थे आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, डिफरेंट जिस वाटरफॉल है, ठीक है, आरडी रैपिड डेवलपमेंट मॉडल, तो इस तरह के कोई अडॉप्ट कर सकता है जो कि आप एब्सोल्यूट होती जा रही है. लेगेसी सिस्टम ऑफन यूज एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजीज, इसको भी यूटिलाइज किया जा सकता है. थोड़ी सी मैं बात करूंगा जी जाने से पहले, क्योंकि आपका टाइम कीमती है. रीयूजेबल कंपोनेंट्स, द डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट्स मे बी हायर देन द कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक इक्विवेलेंट्स, जो उसके बराबर है, जो आपने खास खसूसियात स्पेसिफिक आपने इक्विवेलेंट्स उसके तैयार किए थे. ये भी हो सकता है द डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट्स की है, मे बी हायर, कंपल्सरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है जो रीयूजेबल कंपोनेंट्स उनकी कॉस्ट हायर हो, मे बी हायर देन द कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक इक्विवेलेंट, जो आप उसके स्पेसिफिक इक्विवेलेंट्स उससे बढ़ सकती है. हाँ, उससे कम भी हो सकती है, उसके बराबर भी जा सकती है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम एक्सपेंसेस की तरफ नहीं जाते, ज्यादातर नहीं होता, लेकिन मे राइज ये हो सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज या उसमें मॉडिफिकेशन आएंगी, डेफिनेटली कॉस्ट बढ़ सकती है. दिस एक्स्ट्रा रीयूजेबिलिटी एनहांसमेंट कॉस्ट शुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन रादर देन अ प्रोजेक्ट कॉस्ट. अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करें, ना कि सिर्फ रादर देन अ प्रोजेक्ट, ना सिर्फ एक प्रोजेक्ट कॉस्ट नहीं होनी चाहिए. तो हमारी कोशिश ये होती है, इट्स मस्ट बी एन ऑर्गेनाइजेशन रादर देन अ प्रोजेक्ट कॉस्ट. जेनेरिक कॉम्पोनेंट्स क्या है, मे बी लेस स्पेस एफिशिएंट, जो आपके जेनेरिक हैं, टोटल जेनेरिक हैं, जिनको आपने अभी सब कैटेगरीज नहीं बनाई आपकी, वो आपके जेनेरिक कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं. जेनेरिक कॉम्पोनेंट्स मे बी लेस स्पेस एफिशिएंट, ये लेस स्पेस एफिशिएंट हो सकते हैं, एंड मे हैव लॉन्गर एग्जीक्यूशन टाइम, इनका एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा होगा देन देयर स्पेसिफिक इक्विवेलेंट्स, जो उसके स्पेसिफिक इक्विवेलेंट्स है, क्योंकि ये जेनेरिक हैं, अभी इनको मजीद आपने कैटेगराइज नहीं किया, इसीलिए ये लेस स्पेस एफिशिएंट होंगे और टाइम एफिशिएंट भी कम ही होंगे, यानी कि लॉन्गर एग्जीक्यूशन टाइम हो सकता है. सो दैट इज इट माय डियर स्टूडेंट्स. तो मैं इसको जो है इस आज का जो लेक्चर को जो मैं यहाँ तक वाइंड अप करता हूँ.